इंजीनियर रशीद हमारे कैंडिडेट हैं और आवामी इत्तेहाद पार्टी नॉर्थ से इलेक्शन लड़ेगी, जो हमने पहले ही अनाउंस किया है कि हमारे कैंडिडेट जो होंगे नॉर्थ से वो इंजीनियर रशीद साहब होंगे। यहाँ पे कुछ खलबली सी मच गई थी, कभी किसी की तरफ से कोई बयान आता था, कभी किसी की तरफ से कोई बयान आता था कि दे विल गोइंग टू सपोर्ट समबडी, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद हमारे कैंडिडेट हैं और आवामी इत्तेहाद पार्टी नॉर्थ से इलेक्शन लड़ेगी। हमने नॉर्थ साउथ से भी और सेंट्रल से भी कैंडिडेट्स अपने रखे हैं, हम लोग उसका भी अनाउंस बहुत जल्द करने वाले हैं इंशाल्लाह, उस टाइम आपको बता देंगे, वो भी हम जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं। तो अभी तक यही है कि हमारे कैंडिडेट जो हैं इंजीनियर रशीद हैं नॉर्थ से, हमें लोगों पे पूरा विश्वास है इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन खुद ही लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। तो हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, हर मुसीबत से दिया एक तबस्सुम से जवाब, इंजीनियर रशीद फरमा रहे हैं। हर मुसीबत से दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिश दौरान को रुलाया हमने। इंशाल्लाह उस्तान आप लोग देखेंगे बहुत जल्द अनकरीब, अब अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, एक बहुत बड़ी सरप्राइज आप लोगों को मिलेगी, बहुत बड़ी सरप्राइज। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, हमें वसाइल की कमी है, वसाइल की कमी के बावजूद हमें आवाम पर भरोसा है, हमें आप लोगों पर भरोसा है, हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा है, हमें अपनी कारकर्दगी पर भरोसा है। आपको एक सरप्राइज मिलेगा, जो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कश्मीरियों को, जिन लोगों ने कश्मीरियों को फॉर ग्रांटेड लिया है कि ये तीन सीटें हमारी हैं, ये तीन सीटें इसकी हैं, मैं सीट शेयरिंग क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। मुझको हंसी आती थी जब मैं उनके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुझे हंसी आती थी कि ये क्या फरमा रहे हैं, इन्होंने भेद बकरियां समझा है लोगों को। हमारे बहुत सारे, हम इंजीनियर रशीद की रिहाई नहीं चाहिए, इंजीनियर रशीद बेकसूर हैं, इंजीनियर रशीद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें हिंदुस्तानी अदलिया पर, बार बार मैं कहता हूँ, हिंदुस्तानी अदलिया पर हमें बेहद भरोसा है। इंजीनियर रशीद बाइज्जत तरीके से वापस आएंगे और इंजीनियर रशीद को कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानी आइन ये हक दे रहा है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग वेटरन जर्नलिस्ट्स हैं, आप लोगों को याद होगा कि एमरजेंसी के दौरान लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत सारे दीगर जो लीडरान क्राम थे, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा था, जेल। और इंजीनियर रशीद भी हिंदुस्तानी आईन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, लिखित तीन बार तस्लीम कर चुके हैं। 11 साल वो मेंबर असेंबली रहे, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने खुद ब खुद हमें वोट डाले, आज भी हमें मालूम है। ये इन रैलीज की तरफ आप मत जाइए, ये रैलीज दिखाने हाथी के दांत दिखाएंगे और हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वसाइल की कमी है। मैं यहाँ पर लोगों से अपील, एक तो मैं अपील करता हूँ कि हर पोलिंग बूथ पर, जिस तरह पिछली बार आप लोग यहाँ के जवान, जिस तरह पिछली बार हमारे लिए जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स के फराइज अंजाम दिए हैं, इस बार भी वो पोलिंग एजेंट्स के फराइज अंजाम देंगे। हम इलेक्शन बॉन्ड्स जो आपने देखा होगा पिछले दिनों, ये आगे हो गया इसमें खबरों में आ गया, आपका आप लोग ने ही उसको देखा शाया, तो हमारे पास इलेक्शन बॉन्ड इलेक्शन। मैं यहाँ पर खैर इसमें कलमा विलमा चलता नहीं, मैं कसम झूठी कसमें नहीं खाऊंगा, झूठी सिर्फ खुदा को मालूम है। हमें 25,000 रुपये जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट, अल्लाह गवाह है, नहीं है हमारे पास, नहीं है, जलन मलिक करार हमारे पास नहीं। लेकिन अब तुम आप लोग कहोगे फिर क्यों इलेक्शन में आ जा रहे हैं, इलेक्शन सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसी की, यहाँ पर इंजीनियर रशीद एक किसान का एक इस ग्रीस सुंदर कुछ, यहाँ उसी घर से जिस घर में चार चार भाई बहन सब इलेक्शन में इस पॉलिटिक्स में है, वही सिर्फ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि इंजीनियर रशीद को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का हक है। और लोग देख रहे हैं, लोग वो भी पाबंद पिछले 5 वो तो एजेंट
आप लोगों को मालूम होगा, बाहर बाहर जाओ एजेंट, पीछे जाओ। पिछले 5 सालों से वो पाबंद सलासल है, तिहार जेल की काली कोठरी में बैठे हुए। इसी तरह यहाँ के बहुत सारे जवान जुर्म बेगुनाही की पादाश में, किसी ने जुर्म बहुत सारे, वो उनकी रिहाई हम चाहते। हम ये इलेक्शन उनकी रिहाई के लिए लड़ रहे हैं, हम ये इलेक्शन डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं। हम बाबा जी बुलंद बताना चाहते हैं, हम इमान अमुक नाजे तवज बकर ऐलान, आई डैम केयर फॉर एनी बडी। हम बाबा जी बुलंद ऐलान करते हैं, हम मोदी से ज्यादा हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी वनान करान मंगान कोई बात नहीं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं, उसी वक्त हम हिंदुस्तान की वफादारी को भी तस्लीम करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ की खानदानी पार्टियों को जमीन बोस करने में एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें लोगों का साथ चाहिए। लोग और लोग देख रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं इलेक्शन का। रैली वैली की तरफ मत जाइए, वोट पड़ेंगे इंजीनियर रशीद को, वोट इंजीनियर रशीद, आपको सरप्राइज मिलेगा। वहां ही नहीं बल्कि इंशाल्लाह 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 हम सेंटर में भी, हम साउथ में भी अपना एक अहम किरदार अदा करें लोगों की सेवा का। लोगों की सेवा के लिए हम आए हैं, बाकी और कोई मकसद नहीं हमारा, कोई चीज पैसा, पैसे के लिए सनशाइन। मैं आवाम से, आपके माध्यम से मैं आपके नौकर रहूंगा, अगर आप ये शाया करेंगे, अगर आप ये इसमें शाया मतलब नहीं, बल्कि आप अपने इन चैनलों पर ये दिखाएंगे, मेरी ये अपील, हमें हमारे पास वो बॉन्ड्स फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कुछ भी, हम सनशाइन फंडिंग करना चाहते हैं। हम जहां जाएंगे चादर फैलाएंगे, ऐसे पंफलेट काटी, ऐसे बाकी कुछ भी नहीं हमारे पास, खुदा गवाह है, अल्लाह गवाह है, कुछ भी नहीं है। ऐसी चोरी और करान अमिस लगान बेचारस पोस कुछ भी नहीं, कुरान की कसम, कुरान पर हाथ रखकर मैं वो झूठा कुरान नहीं करना चाहता हूं, कुछ भी नहीं हमारे पास। हम मगर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा दूसरी बात है, जैसा मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कहा, उस पर्सन ने कहा, बाबा जी बुलंद ये करना चाहते हैं कि हम किसी भी पार्टी को, कोई पार्टी हमें सपोर्ट करे जनरल सुनो, हम उसका आभारी, हम उसके आभारी, हम किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इस इलेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं होगा। AIP अपने बलबूते पर लड़ेगी, अवाम के बलबूते पर, अवाम के बलबूते पर, और आप लोगों के बलबूते पर, यहाँ के नौजवानों के बलबूते पर, यहाँ के गरीब इंसान उनके बलबूते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।